स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। निर्जा एक नई पहचान में अबीर और निर्जा बागची घर में चले जाते हैं, जिससे बहुत सारा ड्रामा होता है। इस कहानी में हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे मौसमी ने अबीर और निर्जा से अलग अलग कमरों में रहने और ऐसा व्यवहार न करने का वादा किया जैसे उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली हो। ऐसा लग रहा था कि गृह प्रवेश के दौरान निर्जा के पैर में चोट लगी थी जब उसने चूड़ी के टुकड़े उसे सिंदूर ताल में डाल दिए थे। अबीर ने निर्जा का पक्ष लिया था और अपने परिवार से उस वक्त के बारे में पूछा जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। अगले एपिसोड में अबीर शादी के बाद आने वाली अगली रस्म करेगा, जिसमें नई पत्नी को कुछ मीठा देना होगा। एक परंपरा के अनुसार घर में सभी को दुल्हन के स्वागत में मिठाई देनी होती थी। अबीर अपने परिवार के सभी लोगों का नाम पुकारते हुए निर्जा को मिठाई खिलाएगा। इस समय त्रिशा निर्जा का स्वागत करेगी और उसे कुछ मीठा खिलाएगी। वह अबीर और निर्जा को बताएगी कि वह उसकी दोस्त है और उसे पसंद करती है, कैसे उनके मामले में सच्चे प्यार की जीत हुई है। लेकिन यह केवल त्रिशा का नकली चेहरा होगा क्योंकि वह अपनी शादी खत्म करके निर्जा की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। मौसमी ने अबीर और निर्जा को घर में रहने के लिए कहा, लेकिन उन्हें अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा। निर्जा ने कहा कि वह वही करेगी जो उससे कहा जाएगा और वादा किया कि वह एक दिन अपने बच्चों का प्यार जरूर जीतेगी। वहीं आगे क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।